सत्ता पक्ष के दुश्मन है उनको टारगेट करे। पूरा प्रशासन काम कर रहा है बिहार में, अपराधियों के लिए प्रशासन नहीं है। दिन में 11 बजे 20 करोड़ से ऊपर 6 आदमी आके 12 पिस्टल हाथ में लेकर टेम्पू से निकल जाता है। पूरा चेहरा ओपन है, सब कुछ ओपन है। कहाँ धरती निकल गई कि ऊपर निकल गया। बिहार में कई बार ज्वेलरी के दुकानों की लूट, कई बार बैंक लगातार लूट हो रही है। जेल से 200 करोड़ रुपये का ज्वेलरी का दुकान लूटा जाता है। भैया इकबाल जब खत्म हो गया और शासन प्रशासन नीतीश जी के हाथ में नहीं है, प्रशासन चलाए और पूरा प्रशासन महकमा जमीन माफियाओं के साथ, ड्रग्स माफियाओं के साथ, शराब माफियाओं के साथ, बालू माफियाओं के साथ इन्वॉल्व रहे और हिस्सेदारी और भागीदारी प्रशासन की रहेगी। अब प्रशासन सिर्फ गलत लोगों को फंसाने में लगे रहेंगे और अपराधी माफियाओं को बचाएंगे। पूरा नेक्सस है इन लोगों का, 60-70% नेता मंत्री संतरी इन्वॉल्व। हर शहर में आप निकालिएगा तो इन लोगों का जमीन में, जिसके पास 10 बीघा जमीन नहीं था, 100 बीघा 200 बीघा जमीन। एमपी है, एक्स एमपी है, ये कहां से? ड्रग्स के पैसे से, जमीन के पैसे से, शराब के पैसे से। आज भी सत्ता में और विपक्ष के कई नेता लोग शराब का वो बेचवाते हैं। आप देख नहीं रहे हैं स्थिति? अब पूरी प्रशासन और थाना लगी हुई रहती है जमीन अपराधियों के बीच। उनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, वह अपराधी माफियाओं के लिए नहीं बने, वह राजनीतियों को जो सत्ता पक्ष के दुश्मन हैं उनको टारगेट करे। जिन लोगों का पूरा इन्वॉल्व होता है उसको बचाने में लगे रहते हैं। जाति धर्म के आधार पर पूरा प्रशासन काम कर रहा है बिहार में, अपराधियों के लिए प्रशासन नहीं है। दिन में 11 बजे 20 करोड़ से ऊपर 6 आदमी आके 12 पिस्टल हाथ में लेकर टेम्पू से निकल जाता है। पूरा चेहरा ओपन है, सब कुछ ओपन है। कहाँ धरती निकल गई कि ऊपर निकल गया, आप हमको बताइए ना। कौन लोग इन्वॉल्व करिए? ऐसे लोगों को या तो 1 महीने के अंदर सजा दीजिए या नहीं तो जो जनता के लिए कंप्लीट रूप से परेशानी का कारण बन गया उसको खत्म करिए, उसको डू एंड डाई करिए। और इन अपराधियों का और उस ज्वेलर्स के कई सारे कर्मचारियों का नंबर का टैली करिए, किस किस के नंबर किस किस से बातचीत हुए, इस बात का ख्याल रखिए। तो इसीलिए कोई मतलब है? सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। आप बस एक ही चीज बचा है यहाँ कि आप जितना लूट सकते हो, जमीन, बालू, शराब, कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक, आप कंप्लीट रूप से लूटिए, पूरा पैसा कमाइए, टेंडर ले करके पूरा बिहार को नाश कर दीजिए, आप मस्त रहिए, सत्ता में बने रहिए। सर सुनील सिंह का सदस्यता खत्म कर दिया भैया, तो उनको वो ना समझेंगे, उनको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए अपने राइट के लिए, तो कोई भी लड़ेगा जाएगा अधिकार। अब मामला क्या है इसमें हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कोई काम होना उचित नहीं। मानसून सत्र से तेजस्वी यादव गायब रहे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं,
अच्छा, कोई निजी काम और कहीं पर्सनल काम में जाए ठीक है, विपक्ष के नेताओं की भूमिका गंभीरता से होनी चाहिए और एक परिपक्व जिम्मेदारना विपक्ष की भूमिका आवश्यक है, लेकिन हर व्यक्ति को पारिवारिक और व्यक्तिगत काम होता है जीवन में। नेता लोग तो ऐसे ही बहुत सारे एक काम थोड़े रहते हैं, इस देश के मुख्यमंत्री भी कभी कहीं रहते हैं, कभी विपक्ष के नेता रहते हैं, कितने MLA MP क्वेश्चन में रहते हैं भाई, प्राइवेट मेंबर बिल में रहते हैं, कितने लोग आप उठा के देखिए ना, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। 60% MP MLA का तो डेवलपमेंट का पैसा खर्च नहीं होता है, तो खाली विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष यही काम बच गया है, एक दूसरे को गाली देते रहना, कभी आप उसको गाली दीजिए, अभी नीतीश कुमार जी ने कोई बात कह दी, अरे भाई नीतीश कुमार जी का उम्र भी तो हो गया है, वो तो गार्जियन की तरह भूमिका निभाते हैं। इसके पहले प्रजनन वाले मामले में नीतीश कुमार जी बोले तो नरेंद्र मोदी खिलाफ में थे, विपक्ष साथ में था, और इस बार इन्होंने कुछ गार्जियन की भूमिका निभा दी तो विपक्ष बोल रहे हैं कि हैबिचुअल हो गए हैं। अरे भैया, राबड़ी देवी जी को ललन बाबू बोल रहे हैं 2 साल साथ रहने के बाद कि दस्तखत करने नहीं आता है।